मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दावे और वादों का दौर जमकर चल रहा है। इसी कड़ी में अब पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नरसिंहपुर में रविवार को एक बड़ी घोषणा की है। कमलनाथ ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे, साथ ही महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ रविवार को नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को साधने के लिए आगे कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर हम महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे। कमलनाथ ने इस दौरान मेडिकल कॉलेज और कृषि महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर भी जमकर बरसे है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अभी गैस सिलेंडर के दाम 1000 के पार है। कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर मध्यम वर्गीय जनता को साधने की कोशिश की है। और ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं, अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे।